यहां तो आवे का आवा ही टेढ़ा है। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। तुम अपनी जिंदगी की तरफ चल नहीं रहे हो। मेरा काम मुजरिमों को पकड़ना और अदालत तक पहुंचाना है। ये कायदे आजम और अलामा इकबाल का मुल्क नहीं है, बल्कि ये तो अब मुल्क ही नहीं है। इसकी आंखों में जो मैंने गुस्सा देखा है, कुरान में गुस्से से नहीं, इसे इंसानियत का कत्ल करने पर मजबूर कर देगा। हिकमत से अमल करने का हुक्म देता है। कुरान को लोगों ने मेरे भाई घर में सिर्फ सजाने के लिए रखा है। बड़ा आदमी बनने की बजाय सारी इंसानियत का कातिल बनकर रह जाएगा। मैं तेरे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। जानता हूँ कि मैं उसकी शादी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया तेरे साथ, अब तू फिक्र ना करना, अब मैं आ गया हूँ ना तो हम किसी की मौत को रोक सकते हैं और ना ही जिंदगी को पैदा होने से। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये खून लेकर ही जान छोड़ते हैं। जाली दवाइयों की वजह से इस मुल्क में बेशुमार लोगों की जाने जा रही है। मगर इस हुकूमत को अकेला बंदा खत्म नहीं कर सकता। और जब तक मैं उन भाइयों को उनके कारोबार समेत खत्म नहीं कर देता। और मोहताज आदमी मांग तो सकता है मगर दे नहीं सकता। पुलिस को तू हर हाल में चल। तो फिर ढूंढो सबको और चुन चुन के मारो। मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा, काश मैं उस दिन घर लौट जाता तो आज मेरे अपने साथ होते। मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी। मुस्तकबिल नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं।